बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक हियर अगेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कल 22 तारीख है, जुलाई की 22 तारीख को कौन सा बोर्ड जो है वो अपना रिज़ल्ट अनाउंस करने के लिए जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताऊंगा और जो उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उनके ऑफिशियल पेजेस पे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा बोर्ड कल जो है अपने फाइनलाइज करने के लिए जा रहा है अपना जो बोर्ड का जो रिज़ल्ट है। तो सबसे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी बहन भाई या किसी व्यूवर किसी अहबाब ने अभी तक वासवियन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा या आप लोगों के सामने, इसको क्लिक कर लें, साथ घंटी के निशान पर क्लिक कर लें यार। ये आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है ताकि हमें जो बरवक वीडियोस मिलती हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है बोर्ड के हवाले से, वो हम आप लोगों को जल्द अज़ जल्द प्रोवाइड कर सकें ताकि आप लोग जो मिस ना करें कोई भी टॉपिक। उसके अलावा यहाँ पर ऑलरेडी हम काफ़ी सारी जो न्यूज़ हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों के सामने है कि दि कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज मर्दान कैंपस के हवाले से कि कल ब्रेकिंग न्यूज़ जो दे रहा है मर्दान कैंपस, वो ये कह रहा है कि 22 मर्दान विल अनाउंस SS रिजल्ट्स ऑन 22/7/2020 एंड HSSC ऑन 23। मतलब कि 22 को जो है वो 10वीं का रिज़ल्ट आएगा और 23 तारीख को जो है वो 11वीं 12वीं का रिज़ल्ट आएगा। तो ये आप लोगों के जो है मर्दान बोर्ड का रिज़ल्ट है जो कि कल अनाउंस किया जाएगा, 10वीं वालों का रिज़ल्ट, और 23 तारीख को जो अनाउंस किया जाएगा जो है 11वीं 12वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो मज़ीद बोर्ड्स के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।